एक बीजेपी नेता ने कहा है कि सुर्पनखा लगती हैं लड़कियां जब पहनती हैं छोटे कपड़े। नहीं ऐसा नहीं कह सकते, वो कह रहे हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नहीं गलत बोला। तो ऐसे इंसान को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उसको तुरंत उठा के जेल में डाल देना चाहिए। अगर उनका बच्चा सबसे पहले जब गलत करता है उसकी आंखें फोड़ दो या उसकी आंखें हाथ पैर तोड़ दो। मेरे हिसाब से लड़कियों के उनके ऊपर है, छोटे पहने छोटे पहनो बड़े पहने आपकी चॉइस, हम कौन होते हैं बोलने वाले। एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियां जैसे मर्जी कपड़े पहनती हैं। टीचर लोग थोपते हैं कि आपको ऐसे रहना चाहिए ऐसे चलना चाहिए, वो कौन लोग? मैम वो लोग मूर्ख हैं, हम लोग उनको मूर्ख की एक दे रखे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो कोई मंत्री हो। अगर सबका राइट है तो सबको ये भी राइट है कि क्या पहनना चाहिए क्या खाना चाहिए। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के सीपी में मौजूद हूँ। जनहित आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि मालूम है या नहीं है पता नहीं, लेकिन आजकल एक जो स्पीच है एक बाइट है एक बीजेपी नेता का वो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियां छोटे कपड़ों में सुर्पनखा लगती हैं। सुर्पनखा कौन है? रावण की बहन है। तो आपको क्या लगता है ये शोभनीय है? बिल्कुल नहीं है मैम। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने फिर बोला इक्वलिटी, अगर सबका राइट है तो सबको ये भी राइट है कि क्या पहनना चाहिए क्या खाना चाहिए। अगर कोई इंसान अगर ये किसी के कमेंट करता है उसके रंग रूप कपड़े पे, उसके बैठने उठने के उसके बोलने के बिहेवियर पर, तो ऐसे इंसान को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उसको तुरंत उठा के जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि ये आपके ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक सवाल है। और कोई भी अगर ह्यूमन राइट्स, क्योंकि छोटे कपड़े, क्या गलत बोल दिया, छोटे कपड़े पहनती है इसलिए तो अश्लीलता फैलाती है, रेप होता है उनके साथ। रेप सोच से होता है मैम। मूर्ख सोच है ये, मूर्ख सोच। सुनिए, कपड़े छोटे पहनना एक तरीके से आप ये सोच लीजिए, कपड़े कभी भी किसी इंसान का रेप नहीं करते, कपड़े कभी किसी का रेप नहीं करते, सोच करती है। इंसान अगर साइकोलॉजिकली अनबैलेंस है तो वो किसी के फुल कपड़े में भी कपड़े खींचेगा। क्या आप अगर रेप के केस उठा के देख लो तो लड़कियां जो साड़ी में थी क्या उनके रेप नहीं हुए? क्या जो लड़कियां छोटे कपड़े में थी क्या उनके रेप हुए? सब सोच का कमाल है। आप सोच कैसी रखते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं। मैं सबसे पहले अपने देश की तमाम माओं को एक राइट देना चाहूँगा, अगर उनका बच्चा सबसे पहले जब गलत करता है उसकी आंखें फोड़ दो या उसकी आंखें हाथ पैर तोड़ दो। कृपया करके उनको सपोर्ट मत करो कि मेरा बेटा सही है। सबसे पहले माँ सपोर्ट करती है, उसका बाप सपोर्ट करता है, हमारी एज अ फैमिली हम अपने भाई बंधुओं को सपोर्ट करते हैं, तब जाके वो ये गलत काम करते हैं। एज अ टीचर तो कहते हैं कि महिलाओं की गलती है, महिलाएं छोटे कपड़े पहनेंगी तो मर्द फिसल जाते हैं, मर्द की भावनाएं हैं। मैं बोल तो रहा हूँ सब सोच का कमाल है। अगर आपको क्या लगता है सोच ही गलत, फिसल जाते हैं, मर्द ही तो है। मेरे हिसाब से लड़कियों के उनके ऊपर है, छोटे पहने छोटे पहनो बड़े पहने आपकी चॉइस, हम कौन होते हैं बोलने वाले। और जैसे इसने कहा बिल्कुल सही सोच है, अगर आपकी सोच में है कि उसी से पास आउट है। एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियां जैसे मर्जी कपड़े पहनती हैं, इंक्लूडिंग आज हम टीचर्स। लोग थोपते हैं कि आपको ऐसे रहना चाहिए ऐसे चलना चाहिए, वो कौन लोग? मैम वो लोग मूर्ख हैं, हम लोग उनको मूर्ख की एक दे रखे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो कोई मंत्री हो। अगर मंत्री है तो फिर तो मार्गो सोच समझ। कुछ लोग यहीं पे कह रहे थे कि हमारा जो ये भारत है उसकी संस्कृति है, यहाँ पे साड़ी और सूट सलवार चलेगा वेस्टर्न कल्चर को अपना के। वेस्टर्न कल्चर को अगर हम देखो, अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं, डेवलपमेंट तो मार्गो वेस्टर्न कल्चर जैसी चाहिए। एक इंसान जब पैदा होता है वो छोटा होता है, बड़ा होता है। जब एक इंसान में बदलाव आ रहा है तो समाज में बदलाव नहीं आएगा क्या? आप अपने देश में अपने बच्चों को चाहते हैं विदेशों में जाके जॉब करें, विदेशों में जाके कमाएं, उनका विनिंग लिविंग स्टेटस संभालें, तो आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अपनी सोच भी तो वैसी बनानी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ वेस्टर्न में हर चीज़ सही नहीं है तो इंडियन में भी हर चीज़ गलत नहीं है। आप किसी के ऊपर ये बोलना कि तुम इस तरह से रहोगे, तुम बुरखे में रहोगे, तुम साड़ी में रहोगे, तुम ये पहनोगे, ये एक तरीके से पाबंदियाँ हैं, कभी लड़कियों की तरफ से सुनने को नहीं मिला। धन्यवाद। हम यहाँ पे कुछ और भी लड़कियाँ हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ अभी कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, अभी चल रहा है पूरी जो वीडियो है बीजेपी नेता का वो लगातार वायरल हो रहा है। हम इन लड़कियों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचती हैं, छोटे कपड़े पहनना ये इनका अधिकार है। आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। बोल दिया मैंने जो बोलना। नहीं, छोटे कपड़े पहनने के बाद सुर्पनखा लगती है लड़कियाँ? नहीं, इट्स देयर चॉइस ओनली। तो उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, वो कह रहे हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नहीं गलत बोला, गलत बोला ना। तो सारी लड़कियाँ, हम और भी लड़कियों से बात करने की कोशिश करें, हालांकि सारी लड़कियाँ हिचकिचा रही हैं बोलने से, लेकिन हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
हेलो मैम, मैं आप लोगों से ओके अगर उनके हिसाब का एनवायरनमेंट है तो देन डाल लें, अदरवाइज वो पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। मतलब आप छोटे कपड़े के विरुद्ध हैं? एक बीजेपी नेता ने कहा है कि सुर्पनखा लगती हैं लड़कियां जब पहनती हैं छोटे कपड़े। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो अपने एनवायरनमेंट में है, अपने जैसे लोगों के साथ हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर वे पब्लिक प्लेस पर हैं, एजेड हैं, तो थोड़ा लोगों का ध्यान रखते हुए उनको अगर खुद को कंफर्ट लगता है तो देन। एक बीजेपी नेता ने कहा है कि लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती हैं तो सुर्पनखा लगती हैं, उन्हें नहीं पहनना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, सबका अपना अपना ये थॉट है, अब वो ऐसा बोल रहे हैं तो फिर बहुत गलत बोल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आज़ादी है कि कौन क्या पहने नहीं पहने। भारत में आज़ादी है लड़कियों को? कुछ हद तक तो है आज़ादी, लेकिन फिर भी तमाम जो नेता लोग हैं वो इस तरीके की बात करते हैं, क्या कहेंगे? ये सब गलत है और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए और बहुत कुछ करना चाहिए कि नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ ये कपड़े पहनने से ये क्या हो जाता है किसी को? कहते हैं कपड़े पहनने से बलात्कार हो जाता है, अश्लीलता फैलती है, सब उसकी नज़रिया है, उस तरह की नज़रिया है वो, सबकी अपनी अपनी नज़रिया होती है। देखा आपने इन मैम को, इन्होंने कहा कि सबका अपना अपना अधिकार है, सभी ने अपना अपना राय दिया है, कुछ लोग छोटे कपड़ों के विरोध में, कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पहननी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं पहननी चाहिए, आप लोगों की पूरी वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, धन्यवाद।